Hi, my name is Arya and I have recently passed my 12th grade. I am preparing for my competitive exams. मुझे हमेशा से दो sentences में एक doubt रहता है. I used to watch movies and I am used to watching movies. चलो हम अपने अनिल सर से पूछते हैं. Yes, Arya, I'll try to clear your confusion. आपके दो sentences हैं. पहला sentence है I used to watch movies और दूसरा sentence है I am used to watching movies. देखने में दोनों ही sentences लगभग एक से लगते हैं, लेकिन इनकी forms में और meaning में बहुत अंतर है. हम एक एक करके दोनों sentences करते हैं. तो सबसे पहला sentence आपका था I used to watch movies. अगर मैं I used to watch movies की बात करता हूँ, आप ढंग से एक sentence को देख लीजिए, I used to watch movies, इसका मतलब है कि आप past में ये एक्शन किया करते थे, लेकिन अब वो एक्शन आप नहीं करते हैं. तो एक पास्ट का एक रेगुलरली जो एक्शन होता था, हम उसकी बात कर रहे हैं. देखिए, इसका कुछ इस तरीके का मतलब है, आई यूज टू वॉच मूवीज बट नाउ आई डोंट, अब ऐसा आप नहीं करते हो. अगर मैं दूसरा सेंटेंस देखता हूँ, वो है आई एम यूज टू वॉचिंग मूवीज. तो आई एम यूज टू वॉचिंग मूवीज, यहाँ पे हमने देखी एक चीज जो है वो ऐड की है, वो ऐड की है यहाँ पे एम. सो आई एम यूज टू, पहला सेंटेंस था आपका आई यूज टू वॉच मूवीज, दूसरा सेंटेंस यहाँ हमने लिखा है आई एम यूज टू वॉचिंग मूवीज. तो आपका यहाँ एम ऐड हुआ है और यहाँ यूज टू के बाद वॉच की जगह आपने वॉचिंग लगा दिया है. तो यहाँ आई एम यूज टू वॉचिंग मूवीज का मतलब हुआ कि आप मूवीज देखने के आदि हो. यू आर अकस्टम्ड टू वॉचिंग मूवीज, यानी कि आपको मूवीज देखने की आदत है. इट्स नॉर्मल फॉर यू, इट्स यूजुअल फॉर यू और यू डू नॉट फेस एनी प्रॉब्लम इन दिस, आपकी ऐसी आदत है. तो आई एम यूज टू वॉचिंग मूवीज, जब आप कहते हैं आई यूज टू वॉच मूवीज, इसका मतलब आप पास्ट में ऐसा किया करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं करते हैं. लेकिन जब आप कहते हैं आई एम यूज टू वॉचिंग मूवीज, इसका मतलब यू आर अकस्टम्ड टू दैट. ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं. हम देखते हैं कि जब यूज्ड टू दिया होगा, सिंपल यूज्ड टू है, तो उसके बाद हम जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं. और अगर बी यूज्ड टू दे रखा है तो हम फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करते हैं. तो ये बी यूज्ड टू क्या है? बी का जो मतलब है वो इज, एम, आर, वाज, वर, कुछ भी हो सकता है. अगर आपको यूज्ड टू से पहले कहीं भी बी लगा हुआ मिले, बी से तात्पर्य इज, एम, आर, वाज, वर है, और अगर आपको ये सब मिलता है, इज यूज्ड टू, वाज यूज्ड टू, वर यूज्ड टू, एम यूज्ड टू, आर यूज्ड टू, तो हमें यहाँ वर्ब फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी लगाना पड़ेगा. तो हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स इसके. जब यहाँ सेंटेंस देखते हैं हम, शी यूज्ड टू रन फास्ट, यहाँ पे यूज्ड टू लिखा है और यूज्ड टू के बाद आप क्या लगाएंगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे. और आई एम यूज्ड टू ड्रिंकिंग कॉफी, तो यहाँ am used to लिखा है, तो क्या होगा? I am used to drinking coffee. क्योंकि am used to है means be used to है, तो यहाँ पे आपने drinking लगाया. He was used to going there. He was used to going there. Again आप यहाँ क्या देखते हैं? Be used to का concept है, तो आप क्या लगाएंगे? यहाँ going लगाएंगे. They used to, यहाँ used to है, तो यहाँ पे type आया है. They used to type the matter. तो बात इतनी है कि यूज्ड टू के बाद आप क्या लगाएंगे? यूज्ड टू के बाद लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और बी यूज्ड टू के बाद लगाएंगे आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी. तो हम एक बार फिर से बात करते हैं, यूज्ड टू का जो मतलब है वो है कि आप पास्ट में कुछ किया करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं करते हो. और बी यूज्ड टू का मतलब है कि आप उस कार्य को करने के आदि हो या आदि थे. Isn't it great? मुझे तो घर बैठे इसका सलूशन मिल गया. थैंक यू सो मच अनिल सर.